ठीक हैं, तो चुप हमारे बच्चों कर, की ओए परेशान ये देख रहे हैं सभी। चुप करो ना तो यार। हमने 3-4 बार यहाँ पहले भी फेसबुक पर भेजा है, तो हमारी बात पर किसी ने एक्शन नहीं लिया है। हमारे ये बच्चे तकरीबन यहाँ कम से कम 100 बच्चा था, जिसमें से ओए सब बच्चे स्कूल छोड़ कर के मास्टर के स्कूल के टीचर के ना आने की वजह से हमारे जितने भी बच्चे हैं सब स्कूल छोड़ गए हैं। तकरीबन इस वक्त 50 बच्चे हैं हमारे यहाँ स्कूल में। तो क्योंकि ये सब भी इस वक्त मास्टरों की, हमारे स्टाफ की गलती है, हमारे टीचरों की गलती है, वो स्कूल में परमानेंट आते नहीं हैं। मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ का पड़ोसी हूँ, मैं इनकी सिचुएशन पूरी देखता हूँ, मैं इनको हर वक्त इनसे फ़ोन पर कनेक्ट करता हूँ, इनको पूछता हूँ। कभी कहते हैं जी हमें ये काम है, कभी कहते हैं जी वो काम है। 2-3 टीचर आए हैं यहाँ, अगर वो आते भी हैं खाली अपना अराइवल अटेंड करने के लिए आते हैं, तो अराइवल अटेंड कर गया अपना, वो हफ्ता हफ्ता बार वो छुट्टियाँ गुजारते हैं। बच्चों के आप सालाना जो उनके एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम चलने को थोड़ा ही दिन बकाया है। 8th वालों में बच्चों के तकरीबन 9-10 दिन बकाया रह गए हैं, उनके एग्ज़ाम चलेंगे, पेपर चलेंगे। अब तो इनकी पोजीशन बहुत ख़राब है, तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, जनाब DC साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट महकमा से CO साहब से रिक्वेस्ट करें। हमारे यहाँ जून क्लास में जो ZU साहब है उनको बोले, ZU साहब को हमने काफ़ी बार परमिशन दी है, हमारी बात पर बरामद नहीं करते हैं। पता नहीं इन लोगों को किस लिए ये तनख्वाह देते हैं या किस लिए यहाँ रखा है, या हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ है, इनको जहर दे रहे हैं। सबसे ये सबसे बगावत, सबसे मिलिटेंसी, सबसे दहशतगर्दी ये है, मगर ये अच्छी नहीं है। ये मेहरबानी करो कि हमारे बच्चों को बड़ाए मेहरबानी एक टीम आओ, इनको चेक करो फर्स्ट से लेकर 8th तक, ये मिडिल स्कूल है, 8th तक इन बच्चों को, इन बच्चों से पूछो, इनको ABC नहीं आएगी, इनको पट्टी अलग बे की पट्टी नहीं आएगी, इनको 100 तक गिनती नहीं आएगी, तो ये बच्चे क्या करेंगे? ये बच्चे ना घर के लिए ना गार्ड के लिए। अब हम मजबूर हैं, हम क्या करें, किस स्कूल में इन बच्चों को डालें? हम ये रिक्वेस्ट करते हैं बड़ा मेहरबानी करके, इन टीचरों को घर बिठाया जाए या दूर कहीं ले जाया जाए, तो यहाँ स्टाफ दिया जाए, अगर स्टाफ ना दिया जाए तो स्कूल को क्लोज किया जाए। ये हमारी अर्ज है, गुजारिश है, आला हुकाम से गुजारिश है कि ये हमारी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाई जाए। और हमदर्दी से आप कितनी सहूलत है, कहते हैं जी मोदी जी ने बहुत सहूलत रखी है, बहुत सेफ्टी है, बहुत सहूलियत है, तो हमारे बच्चों के लिए क्या है? हमारे बच्चे सुबह आते हैं 9 बजे हम स्कूल में भेजते हैं, 4 बजे तक यहाँ खेलते रहते हैं, किसी बच्चे के लग जाती है, किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी बच्चे को मथे में चोट लग जाए, कई बच्चों का ऐसा काम ऐसी हादसे हुए हैं यहाँ, तो उस्ताद के ना होने की वजह से ऐसा काम होता रहा। तो अगर ऐसा ही अगर ये काम चलता रहा तो ये यहाँ क्या ये बच्चे तालीम करेंगे, क्या ये बच्चे